हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म BHU पाठशाला। गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट 5th किया था, आज प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट करेंगे। और प्रीवियस क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था और उससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को दी थी, जिसका आंसर मेरे पास अभी तक नहीं आया। सो, पता नहीं आप लोग बना रहे हो या क्या कर रहे हो, मेरे पास अभी तक एक का भी आंसर नहीं आया। कोई नहीं, आप लोग की मर्जी। फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट करते हैं, और आज भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, उससे रिलेटेड मैं सॉल्व भी करवाऊँगी और उससे रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन भी दे रही हूँ मैं। सो, आप लोग, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर मेरे तक भेजो, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को कितना समझ में आया है, कितने स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स नहीं दे रहे हैं। सो, अभी तक तो प्रीवियस वीडियो का मेरे पास एक का भी आंसर नहीं आया है। सो, आज देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है आपका वर्ड्स पे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेट, इस दो चैप्टर से रिलेटेड है आज का प्रैक्टिस सेट आपका। फर्स्ट है जैसे बीमा, भविष्य निधि, वेतन, शेयर, ये चार ऑप्शन है। इसमें से ऑड कौन सा है, एक किसी न किसी मेथड से ऑड जो है उसको सेलेक्ट करना है। तो देखेंगे, बीमा को इंग्लिश और हिंदी दोनों वालों के लिए मैं इंग्लिश और हिंदी में लिख देती हूँ, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे फर्स्ट है आपका इंश्योरेंस, बीमा, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, सैलरी और शेयर। बीमा में क्या करते हैं आप, पैसा लगाते हैं। भविष्य निधि के लिए भी आप क्या करते हो, LIC टाइप आप भविष्य के लिए कुछ इनकम आप सेव करते हो। नेक्स्ट है शेयर, शेयर मार्केट में भी आप पैसा लगाते हो। लेकिन सैलरी क्या है, आप वर्क करते हो कहीं पे, बदले में आपको इनकम मिलता है, तो सैलरी यहाँ ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट है रोगाणु मीन्स माइक्रोब, सूक्ष्म फिल्म माइक्रोफिल्म, माइक्रोफोन माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, इसमें से कौन सा डिफरेंट है। तो ये सब जो है माइक्रोफोन माइक्रोस्कोप ये सब डिवाइस है, लेकिन रोगाणु क्या है, रोगाणु माइक्रोब ये अलग है। सो, इसमें से ऑड कौन सा है, फर्स्ट ये रोगाणु, इट मीन्स कि आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फर्स्ट ऑप्शन है मीठा स्वीट, कड़वा बीटर, नमकीन साल्टी, स्वाधीन इंस्पिरल। यहाँ क्या कहता है, मीठा है मीन्स स्वाद बता रहा है कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये साल्टी है, नमकीन है, लेकिन स्वाधीन, इसका कोई स्वाद ही नहीं है, पता ही नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग, वृत्त, आयत, त्रिभुज, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इसमें से ऑड वन कौन सा है। तो वर्ग में क्या होता है, इसमें एंगल होता है, ओके, आयत में भी एंगल होता है, एंगल होता है ना, त्रिभुज ट्रायंगल में भी एंगल होता है, लेकिन सर्कल में क्या है, सर्कल में कोई एंगल नहीं होता है, इसलिए सर्कल ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइट, वेव, हीट, साउंड, प्रकाश, तरंग, ऊष्मा और ध्वनि, इसमें से ऑड वन कौन सा है। तो लाइट आप देखते हो, हीट को आप क्या करते हो, महसूस करते हो, फील करते हो, साउंड जो है आप हियर करते हो, मीन साउंड आप सुनते हो, लेकिन वेव क्या है, वेव जो है ना ही देख सकते हो, तो इसलिए वेव, यहाँ वेव सही, वेव ऑड हो जाएगा, मीन्स ये सब आप फील कर रहे हो, लेकिन वेव क्या है, तरंग, जो कि आप फील नहीं कर सकते हो, मतलब कोई ना किसी न किसी मेथड से कोई भी लॉजिक आप लगा लो, बस एक ऑड वन सही सेलेक्ट करना है, क्वेश्चन का ये मोटिव होता है। नेक्स्ट है मदर, ग्रैंडफादर, फादर, वाइफ, माँ, दादाजी, पिताजी, पत्नी, इसमें से ऑड वन कौन सा है। तो वैसे ही ऑड वन इसमें पत्नी हो जाएगी, वाइफ ऑड है। सो, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए बहुत से क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि गाइस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो, उस क्वेश्चन को मैं एक बार समझा देती हूँ, उसका आंसर आप सभी का आना चाहिए मेरे पास, और प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस प्रैक्टिस शीट में जितना मैं क्वेश्चन दी थी उसका भी आंसर आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाई हूँ, और गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना, अगर कोई टीचर या कोई भी मेंटर आपको क्वेश्चन दे रहा है तो आपको सोचना चाहिए, मतलब वो क्वेश्चन कुछ है उसमें, तभी आप लोग को वो क्वेश्चन दिया जा रहा है। सो,
सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, हाउस, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, सोसाइटी। अब इसमें से आप खुद सोचो कौन सा ऑड है और उसका आंसर मेरे तक भेजो। नेक्स्ट है, कुत्ता घर, कैनल, स्टेबल, अश्वशाला, लॉक, ताला, डेन, मांद। इसमें से आप लोग सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लू, ऑयल, पेस्ट, सीमेंट। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, टोली, समूह, भीड़, वर्ग। क्वेश्चन नंबर 11 है, टमाटर, टोमेटो, आलू, पोटैटो, गाजर, कैरेट, प्याज, ओनियन। फाइंड आउट ऑड, इसमें से ऑड कौन सा है फाइंड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत, लीवर, लंग्स, फेफड़ा, गुर्दा, किडनी, ईयर, कान। नेक्स्ट है, टेरिलिन, नायलॉन, कॉटन, पॉलिस्टर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विश्लेषण, एनालिसिस, खोज, सर्च, निष्कर्ष, कंक्लूजन, अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, टोली, ट्रुप, समूह, ग्रुप, भीड़, मॉब, वर्ग, क्लास। इसमें से कौन सा ऑड वन है सेलेक्ट करो और उसका आंसर आप लोग दो। और देखो, ये क्वेश्चन से दो बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो जो हिंदी वाले हैं उनको इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखने का मौका मिल रहा है, और जो हिंदी वाले हैं, जो इंग्लिश वाले हैं सॉरी, जिसको हिंदी नहीं पता है, मान लो ट्रूप पता है, ट्रूप क्या होता है, लेकिन उसका हिंदी नहीं पता है, टोली होता है एक्यूरेट वर्ड, तो आप लोग के लिए वर्ड पावर भी इस क्वेश्चन से बढ़ेगा और जो आपका मेन क्वेश्चन है ऑड वन सेलेक्ट करना ये भी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अल्फ़ाबेट बेसिस पे है। इसमें से सर्च करना है कि कौन सा ऑड है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग क्या करते थे, सबसे पहले ओरिजिनल प्लेस वैल्यू को लिखते थे, है ना। ओरिजिनल प्लेस वैल्यू को हम लोग लिखते थे, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड सी ई जी आई के एम ओ क्यू आर टी वी एक्स। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसमें से ऑड कौन है, तो सबसे पहले आपको इसका ओरिजिनल प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। जैसे 22, 23, 24, 25। नेक्स्ट है, सी का क्या होता है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। आर का क्या होता है, 18, टी 20, बी 22, एक्स 23। अब इसमें रिलेशन देखना है, यहाँ क्या है, 3, 4, 5 सबके बीच में 1, 1 गैप करके है, लेकिन यहाँ क्या है, रेगुलर है, 22, 23, 24, 25, इसलिए ये ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर एल है, सबका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, एल का 12 होता है, 24, टी 20, 10, 6, 16, 12। ये सबके बीच में 4 का गैप है, -4 का गैप है, लेकिन यहाँ क्या है, 6 का है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, ये ऑड है। नेक्स्ट देखते हैं, सबका ओरिजिनल प्लेस वैल्यू लिख कर ही इस क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों को अल्फ़ाबेट का टोटल प्लेस वैल्यू लर्न होना चाहिए। 14, अब तो आई होप कि सबको याद हो गया होगा, इतना क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। इसमें भी रिलेशन देखते हैं, 21, 22, यहाँ देखो 21, 22, 23 मीन्स 1 का गैप है, यहाँ भी 1, 2, 3, 13, 4, 5, 6, 7, लेकिन यहाँ क्या 13, 14 कर दिया है, सो ऑड ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1, 3, 24, 26, 4, 6, 21, 23, 5, 7, T20, 22, बी का होता है 2, 4, 25 एंड 26। यहाँ भी वैसे ही है, 2, 2 का गैप है, जैसे 24, 25, 26, 21, 22, 20, 21 मीन्स 1, 1 का गैप है सब में, लेकिन यहाँ क्या है, 25, 26 लिख दिया है, 25 के बाद 26 आता है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए, ए होना चाहिए था, इसलिए ये ऑड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 25, 2, 3, 23, 4, 5,
सिक्स, 21, 22, 13, 14, 16. इसमें भी रिलेशन देखेंगे 2, 3, 4, 5, 21, 22, लेकिन यहाँ क्या किया है, 1 का गैप कर दिया. 14 के बाद में 15 होना चाहिए लेकिन 16 लिखा है, इसलिए ऑड 1 आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें. B का 2 होता है, C का 3, 5, 11, 12, L का 12 हो जाएगा, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 26. यहाँ भी क्या है, 1, 1 का बीच में गैप है लेकिन यहाँ 16, 17 रेगुलर लिख दिया, इसलिए और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 होगा. नेक्स्ट ऐसे ही आपका क्वेश्चन है डी जी आई, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे. 4, 7, 9, 11, 14, 15. एम का कितना होता है, 13 होता है. पी का 16, आर 18, 6, 9, के का 11. इसमें देखेंगे ऑड कौन सा है, तो यहाँ भी वैसे ही क्या है, 14, 15 रेगुलर है जबकि सबके बीच में 1, 1 का 7, 8, 9, 16, 17, 18, 9, 10, 11, 1, 1 का गैप है लेकिन यहाँ रेगुलर कर दिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका ऑड होगा. ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो आपके लिए मैं बहुत ही ट्रिकी वे वाला क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एफ बी आई क्यू एम टी वी आर वाई एच ई आर एच ई के, गाइस ये के है, इसमें से ऑड वन सेलेक्ट करना है. तो वैसे ही सबका प्लेस वैल्यू लिखेंगे. एफ का 6 हो जाएगा, 2, 9. क्यू का क्या होता है, 17, 13, 20, 22. आर का 18, वाई 25. एच का कितना होता है, 8, 5, 11. अब इसमें क्या है कि ओरिजिनल प्लेस वैल्यू तो लिख दिए लेकिन अब इसमें रिलेशन देखते हैं. तो रिलेशन क्या है, यहाँ क्या है, 3 का माइनस 3 का गैप है, यहाँ भी 13, 14, 15, 16 तब 17 होगा ना, तो यहाँ भी 3 का गैप है, यहाँ भी 18, 19, 20, 21, 22, यहाँ भी 3 का गैप है लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या किया है, ओनली 2 का गैप है, 5, 6, 7, 8, तो इसलिए यहाँ 2 का गैप है, बाकी सब में 3, 3 का है, तो इसलिए ऑड वन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4. ऐसे ही आपके लिए मैं क्वेश्चन लाई हूँ कुछ, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है ए डी जी जे पी एस वी वाई एल ओ आर यू आई एल एम पी फाइंड आउट, इसमें से ऑड कौन सा है उसको फाइंड करना है. नेक्स्ट है क्यू 144 एम 54 थर्ड है यू 16 4 एन 60. ये क्वेश्चन आप लोग के लिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, देखती हूँ इसका आंसर कितने स्टूडेंट्स देते हो. ओके सो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है. ये सब इजी टाइप का क्वेश्चन आपके बीएचयू एंट्रेंस में पूछा जाएगा, ये जैसे एफबीआई का इतना हुआ, क्यूएमटी, बट आप जब अपर लेवल में आओगे, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आओगे, तो आपसे क्वेश्चन सब जो हम लोग पढ़े अभी सिलेबस सेम वही सिलेबस रहेगा, बट क्वेश्चन का थोड़ा लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आएगा. आपके यूपीएससी में भी क्वेश्चन अल्फ़ाबेट से आएगा, ब्लड रिलेशन से आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से आएगा, लेकिन क्या है वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा जो कि आप थोड़ा उसमें फंस जाओगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 सी जे जी क्यू एन जे क्यू एन एच एन के ई एल आई, इसमें से बताना है आपको क्या है, एफ एच वी एन. क्वेश्चन नंबर 14 ए आई टी डी यू पी टी आई एस बी के जे डी जे डी जी टू, गाइस ध्यान देना ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा ट्विस्ट है. डी जी टू ई के फाइव जे आर सिक्स पी वाई एट, ये क्वेश्चन भी देखती हूँ आप लोग में से कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर दे पाते हो. ओके आप सबका कॉपी मेरे पास आना चाहिए, पहले वीडियो का भी उसका सॉल्यूशन और आज का जितना मैं क्वेश्चन दी हूँ उसका भी सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन ई टी जी बी क्यू एच एस जे आई एस एच आर सी वी ई एक्स,
सेम वैसा ही क्वेश्चन आपका 17 है। सो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा आज का क्लास। अगर आप लोग आंसर नहीं देते हो, आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो प्रैक्टिस सेट में, तो मैं प्रैक्टिस सेट बंद कर दूंगी, नहीं करवाऊंगी। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना इंटरेस्ट दिखाओ स्टडी में अपना, सो अच्छा लगेगा प्रिपरेशन करने में। ओके गाइज, आप लोग भी आंसर शीट सेंड करो मेरे पास। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से रहो घर में। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।